हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवर्स डिज़ायर। फ्रेंड, ऐसे पैकिंग तो बहुत सारा हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ कहना था आप लोगों से, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ नहीं डाल पा रही हूँ। फ्रेंड, कोलकाता क्लिप पॉट का स्टॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और फिर भी आप अभी वो मिक्स वाला अगर लगाना चाहो तो कुछ लगा सकते हो फ्रेंड। वो भी जब तक स्टॉक अवेलेबल होगा तभी तक, क्योंकि अभी थिक वाला कोलकाता क्लिपॉट सिर्फ हार्डली 2 से 2.5 किलो बचा होगा और नहीं है। कोलकाता क्लिपॉट जो थिक वाले में बोल रही हूँ, और थिन वाला ये भी 7-8 किलो है, और मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मेरा स्टॉक कोलकाता क्लिपॉट का। और लेकिन अगर मिक्स अप जो मंगाते हो जिसमें पाइप सॉसर पेवल पॉट सब मिक्स है, तो वो मैं भी 7-8 लगा सकूँगी। और मैंने अपने कुहार भाई से बात कर लिया, बस रेनी इतना ज़्यादा है ना कि अगर प्रोडक्ट बना भी दें तो वो अच्छे से सूखेंगे नहीं। अगर सूखा नहीं तो फिर उसको अच्छे से भट्टी में जो अपने प्रोसीड्योर से वो बनाते तो बनेगा नहीं। बस ये पार्सल है, मुझे कुछ कहना है आपको, बस मैं इसलिए ये वीडियो डाल रही हूँ। तो बस ये पार्सल 1 किलो का मिक्स कॉम्बो में सब इन्होंने लिया है, कुछ इन्होंने देख आप देख लो, ये हांडी भी मैंने दे दिया और सॉसर दिया है, और इसमें मैंने इनको दिया है फुल रोस्टेड नकुमट। इन्होंने थोड़ा सा मांगा था हाफ रोस्टेड नकुमट, थोड़ा बटर ग्रे का कम्बल्स दिया है। ये जो पतला वाला थिन वाला कोलकाता क्लिपॉट, ये बहुत क्रंची लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। ये जो थिन वाला कोलकाता क्लिपॉट, पंजाब की मिट्टी भी मैंने दिया है, स्लेट आइटम में सब जितना रंग का होता है ना सब बर्फी मैंने दिया है। तो ये मैंने पूरा ये पार्सल ऐसे इनको कस्टमाइज़ किया है। ये 1 kg का पार्सल है, लेकिन इसमें इन्होंने सब कुछ मिला जुला कर लिया है। ये भी एक कोलकाता क्लिपॉट इन्होंने लिया है, पूरा हाफ बेक्ड और हल्का स्मोकी, हल्का नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही स्मोकी लिया है इन्होंने, स्मोकी हाफ बेक्ड लिया है इन्होंने। और मैंने अपने तरफ से ये टाइनीस्ट दे दिया है, इनका ही डिमांड था 2 पीस पंजाब की मिट्टी और कुछ फुल रोस्टेड सेमी रोस्टेड नकुमट का पीसेस। तो ये देखिए, ये जो होता है ना, ये थिक वाला कोलकाता क्लिपॉट, ये बहुत ही अर्दी और बहुत ही लजीज लगता है। लेकिन फ्रेंड, ये जो ज़्यादा जो कम पका हुआ रहता है ना फ्रेंड, तो वो हेल्थ इशू करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये थोड़ा रोस्ट किया हुआ सही होता है और ऐसे सॉफ्टी होता है फ्रेंड। और ये ग्रीटी, तो मेरा कोई भी प्रोडक्ट ग्रीटी नहीं है आज तक। मेरा प्रोडक्ट जहाँ भी गया है, जितने भी कस्टमर के पास गया है, आप लोगों को मालूम है कि समीना बानो का कोई भी क्लिपॉट आज तक कोई ग्रीटी का प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ फ्रेंड, टेस्ट में ये है ना कि बहुत ज़्यादा जो स्मोकी होता है जो कच्चे, उसमें हल्का कड़वापन आ जाता है जो कि ठीक से नहीं पकने के कारण। लेकिन जो नॉन स्मोकी होते हैं, जो हल्का पका हुआ रहता है, तो वो अच्छा टेस्ट करते हैं। लेकिन किस बहुतों को वो कच्चे वाला भी पसंद है। जैसे ये जो बना रही हूँ ये पार्सल, इनको कच्चे वाला ही पसंद है। इन्होंने दूसरा बार ये मेरे से ऑर्डर रिपीट किया है, ठीक है, तो इन्होंने किया। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे से बनिए, और मेरा हेयर केयर का बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छा ऑयल आने वाला है फ्रेंड, तो वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं वो भी। और फेस पैक जो है मेरा, जो स्किन पॉलिशिंग और डिटैनिंग का काम करेगा, वो भी अवेलेबल है, जो बाहर तक ही जा रहा है फ्रेंड। बहुतों ने ऑर्डर कर रहे हैं, तो अच्छा रिव्यू आ रहा है कस्टमर से। बस मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट भी दिखा दूंगी। आप ये देखिए कोलकाता क्लिपॉट कितना थिक वाला, और कितना इसका तो इतना ऑर्डर हुआ फ्रेंड कि ये बचा भी नहीं। अभी सिर्फ बोल रहा है 2-3 किलो बचा हुआ होगा ये, ज़्यादा ऑर्डर लगेगा भी नहीं, तो वो भी ऑलमोस्ट कल ही तक ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर मेरा एक कस्टमर है बहुत प्यारी, उन्होंने कहा है मेरा 1 किलो हटा कर रखने का, तो उनको हटा कर रख दूँगी। तो फ्रेंड, आप लोगों से मैं बनती हूँ, आप लोग मेरे से बने हुए फ्रेंड, ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, इतनी अच्छी बहनें जो मेरे से बनी है फ्रेंड, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अपना इंसान फीलिंग शेयर कर सकता है और कुछ नहीं। फीलिंग शेयर करने से या तकलीफ़ बांटने से दुख कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। तो ओके फ्रेंड, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और ये क्लिपॉट जितने आप खा रहे हो, जितने भी मिट्टी खा रहे हो, आप लोगों से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, स्वॉलो ना करें, अपना केयर करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।